हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है दीप्ति और आज हम बात करेंगे पीएच लेवल के बारे में। जब भी आप क्लींजर, टोनर या मॉइस्चराइज़र खरीदते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है कि ये आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। तो क्या होता है पीएच को बैलेंस करना, आज हम यही समझते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जो किसी वाटरी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को नापने की एक यूनिट होती है। इसे हम 0 से 14 पे नापते हैं। इसका काम होता है किसी भी लिक्विड में उसकी एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को नापना। अब हम समझते हैं कॉस्मेटिक खरीदते समय हमें पीएच लेवल का क्यों ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी स्किन होती है, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है। जैसे किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल, किसी की कॉम्बिनेशन, किसी की ड्राई स्किन होती है। क्यों होती है सबकी अलग अलग स्किन? क्योंकि सबकी स्किन का पीएच लेवल अलग अलग होता है। पीएच को हम 0 से 14 के बीच में नापते हैं। 7 जो होता है उसे न्यूट्रल कहा गया है। वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी लिक्विड का पीएच 7 से नीचे की ओर यानी 7 से 1 की ओर जाता है तो वो लिक्विड एसिडिक होता जाता है। इसी तरह अगर हमारी स्किन का पीएच लेवल 7 से नीचे की ओर जाता रहेगा तो वो स्किन हमारी स्किन एसिडिक होती रहेगी। एसिडिक होती होती जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी। और ऑयली हो जाएगी तो ऑयली स्किन से होने वाले प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाएंगे, जैसे एक्ने, पोर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी ऑयली स्किन को प्रॉब्लम होते हैं वो सारे होने हमें शुरू हो जाएंगे। और 7 से ऊपर की जब ओर जाता है कोई भी प्रोडक्ट तो एल्कलाइन होता जाता है। यानी जब हमारी स्किन का पीएच 7 से ऊपर की ओर जाएगा तो हमारी स्किन एल्कलाइनिटी की ओर बढ़ती जाएगी। एल्कलाइन होने का क्या मतलब हुआ, हमारी स्किन ड्राइनेस की ओर बढ़ रही है। मतलब जब भी हमारी स्किन का पीएच लेवल इसमें 7 से 14 के बीच में आने लगता है तो हमारी स्किन का मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, तो हमारी स्किन पर ड्राइनेस आने लगती है। और जब ड्राइनेस आती है तो स्किन ड्राइनेस से जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मॉइस्चर हमें अपनी स्किन खींची हुई लगती है, सेंसिटिव हो जाती है, सनबर्न जल्दी होता है, इस तरह की, और बहुत इस तरह का प्रॉब्लम आने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो एक्जिमा का भी प्रॉब्लम हमें हो जाता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि अगर 7 से नीचे की ओर जाएगा तो हमारी स्किन ऑयली होगी यानी एसिडिक होगी, और ऊपर की ओर जाएगा तो हमारी स्किन एल्कलाइन होगी यानी ड्राई होगी। तो फिर हेल्दी स्किन क्या होती है? कहा गया है जो स्किन का लेवल पीएच लेवल 5.5 या इसके आसपास होता है उसे हेल्दी पीएच लेवल माना गया है। इस लेवल की स्किन पर बैक्टीरिया जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और जो मॉइस्चर होता है जितना हमारी स्किन के लिए ज़रूरत होता है उतना ही रहता है, तो ये स्किन रेडिएंट और ग्लो ही होती है और इसे एक हेल्दी स्किन माना गया है। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे पीएच को बैलेंस करते हैं, उनका यही काम होता है कि वो हमारी स्किन पे इस तरह से वर्क करे कि जो हमारा पीएच है वो 5.5 या उसके आसपास हो जाए। मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा आपकी स्किन पे, आपकी स्किन के ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाएगा और उसे 5.5 पीएच लेवल पे लाने की कोशिश करेगा ताकि आपकी स्किन ग्लो ही हो जाए। इसी तरह ड्राई स्किन के भी प्रोडक्ट काम करते हैं, वो क्या करेगा, आपके स्किन का जो मॉइस्चर है जो ख़त्म हो रहा है उसको कम करके आपकी स्किन के पीएच को 5.5 लाने की कोशिश करेगा। एज के साथ साथ हमारा पीएच लेवल भी बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ ये आप इस बात का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर हमारी एज 80 साल की हो गई तो हमारा पीएच लेवल एकदम 14 पहुंच गया, हमारा स्किन एकदम एल्कलाइन होगी, ऐसा नहीं होता है। एज के साथ साथ पीएच बढ़ता जाता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है वो धीरे धीरे कम करने लगेगी, यानी आपका जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब एज बढ़ती है तो हम क्या होता है, हमारे स्किन पे रिंकल आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि हमारी स्किन का मॉइस्चर ख़त्म हो रहा होता है। तो इसीलिए
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पीएच लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमें कभी रिंकल आएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ अगर हम राइट प्रोडक्ट यूज़ करें, अच्छा खाना खाएं जिनसे हमारा जो पीएच लेवल है स्किन का मेंटेन करें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा लेट आएंगी। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप अपना क्लेंजर, टोनर या मॉइस्चराइज़र खरीदें तो वो ऐसा होना चाहिए, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी वो आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करे ताकि आपकी स्किन ग्लोई और रेडियंट दिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक बाय बाय।